व्हाट इज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ दिस. देखो न्यूमरेटर में क्या छोटी वैल्यू पावर है, डिग्री न्यूमरेटर की छोटे डिनोमिनेटर की, सब कुछ हटा दो लास्ट टर्म, रहने दो बस वन अपॉन एन, एंड वन अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है जीरो. अगर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी दे रखा है तो, अदरवाइज इनके फॉर्मूले लगा सकते हो एन एन प्लस वन बाई टू, और ये होता है एन एन प्लस वन और टू एन प्लस वन बाई सिक्स करके. ठीक है, तो कोई से भी लग ऐसे मेरे हिसाब से ये ज़्यादा बेटर है. वट इज़ द इंटीरियर एक्यूट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाई. देखो एक पैरेललोग्राम है, उसकी साइड्स रिप्रेजेंट कर रखी है, एक साइड ये वेक्टर दे रखी है और एक साइड ये वेक्टर दे रखी है, और एक्यूट एंगल पूछा है. इसे रूट टू से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, इसके डी आर एस आ जाएंगे वन वन रूट टू, और इसके डी आर एस आ जाएंगे वन माइनस वन रूट टू. अब एंगल पूछा है ना कॉस थीटा, ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू सी वन सी टू, मैं तो बढ़ा ही जा रहा था, अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर. इसका क्या आएगा, ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर प्लस सी टू स्क्वायर. देखो जरा वन इंटू वन प्लस, फिर ये माइनस वन इंटू वन माइनस वन, ये रूट टू इंटू रूट टू टू अपॉन अंडर रूट वन प्लस टू स्क्वायर के ना, ऐसे इसमें क्या आएगा वन प्लस टू, ये कैंसिल हो गया टू अपॉन, ये कितना आ रहा है हमारे पास फोर, फोर का रूट टू, और ये भी कितना टू, तो फोर टू इंटू टू आ गया, तो कॉस थीटा आ रहा है वन बाई टू. भाई कॉस में वन बाई टू कब आता है, सिक्सटी पे आता है, सिक्सटी मतलब सिक्सटी, तो